अतीक अहमद की आज प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बता दें कल साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की टीम नैनी जेल पहुंची। नैनी जेल में उसकी रात कटी। अब आज अतीक को कोर्ट में पेश किया जाना है। अतीक को स्पेशल सेल्स में शिफ्ट किया गया। नैनी जेल में अतीक का भाई अशरफ भी है, जिसे बरेली जेल से कल ही नैनी जेल यूपी पुलिस लेकर पहुंची है। जब से साबरमती से अतीक चला, तब से उसको लगातार ये डर लग रहा है। वो खुलकर बोल भी रहा है, मिट्टी में तो मिला दिया है, अब तो हमें रगड़ा जा रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि यूपी की डिक्शनरी में माफी शब्द है ही नहीं। मट्टी तो मिल गया, अब मट्टी मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। रगड़ दिया, मिट्टी में मिला दिया, यूं समझिए कि जीते जी मार दिया। मट्टी में तो मिल गया। ये शब्द उस माफिया थी के जिसने जुर्म की दुनिया में 43 साल तक राज किया, कई परिवारों को जीते जी तबाह कर दिया। मगर अब आदित्यनाथ योगी सरकार ने बता दिया कि यूपी में माफियाओं का डरना क्यों जरूरी है। अतीक, जो कभी खौफ का दूसरा नाम था, आज योगी राज में पनाह मांग रहा है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, भाषा सुनिए। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड में क्या कहना है? आप क्या कहेंगे? हम जेल में थे, हमें नहीं पता। इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना है? आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है, वो अपराध में जो हुई है, वो सजा ज्यादा हुई है, न तो माफिया अतीक ने, न उसके परिवार और गुर्गों ने इस दुर्दशा की कल्पना की होगी। लेकिन योगी सरकार ने एक बार फिर बता दिया कि वो जो काम करते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का विश्वास नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का विश्वास नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की, तो उसका इलाज ही सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। असल में अतीक को लेकर योगी का मैसेज बिल्कुल आसान है, जितना बड़ा माफिया उतनी बड़ी सजा। अतीक पर 100 से ज्यादा केस दर्ज, जबकि उसे सिर्फ एक मामले में उम्र कैद की सजा हुई। ऐसे में अतीक खुद नहीं जानता कि अभी उसकी पेशी कितनी बार होनी है। सच ये भी कि बार बार साबरमती जेल से प्रयागराज तक का सफर खुद किसी सजा से कम नहीं, वो भी तब जब कभी भी कहीं भी गाड़ी पलटने का खतरा हो, एनकाउंटर का खौफ हो। अभी महज 16 दिन हुए जब पहली बार अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा था, तो अतीक ने बड़ी ऐंठ से कहा था कि यूपी जाने में काहे का डर। मगर 16 दिनों के अंदर अतीक की भाषा बिल्कुल बदल गई। योगी ने इस माफिया को डर का सही मतलब समझा दिया। तभी तो अतीक चकिया के नाम से कुख्यात ये बदमाश काहे का डर से रगड़ दिया तक आ पहुंचा है। ये योगी के कमिटमेंट का नतीजा कि कभी दूसरों को जीते जी मारने वाले अतीक को अब हर पल अपनी मौत का डर सता रहा है। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। जाहिर है योगी की रणनीति माफिया का खौफ मिट्टी में मिलाने के साथ उसे मानसिक तौर पर तोड़ने की है। हालांकि शायद अभी भी अतीक सीएम योगी को ठीक तरह से समझ नहीं पाया, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत भर है। योगी साफ और सख्त लहजे में इस माफिया के एक एक गुनाह करने का हिसाब करने की बात कह चुके हैं। प्रयागराज आते ही अतीक बेहद डरा हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, खुद को लेकर भी और अपने क्रिमिनल परिवार को लेकर भी। अतीक, आपके परिवार के लोगों को
भी इस मामले में अक्यूज बनाया गया है। आपके परिवार का, आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांग है आपकी? और सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं का, बच्चों को उत्पीड़न न करें। क्या आपको डर है कि असुरक्षित है आपके आपके परिजन? ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये माफिया राज का अंत है। आपका क्या कहना है, माफिया राज का अंत है? असल में योगी राज में वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अपराधी एक बार कोर्ट से सजा पाता था, जेल चला जाता था, मगर ये योगी का स्टाइल है जहां अपराधी के लिए सिर्फ एक सजा नहीं, अतीक के जरिए दूसरे माफियाओं को भी संदेश साफ है। यूपी में जो माफिया गिरी करेगा उसकी साथ पुश्तें अपराध का अंजाम भुगतेंगी। कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है, जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दशा बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। माफिया अतीक अहमद के चेहरे पर यह डर कुछ वक्त पहले तक कोई सोच नहीं सकता था। डॉन का ये डर जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए सुकून का सबब है जो इसके सताए हुए हैं। ऐसा नहीं कि अतीक ने पहले अपराध ना किए, वो पहले भी अपराध करता था, लेकिन तब धमका कर या तो गवाहों के मुंह बंद कर दिए जाते थे या फिर उन्हें ठिकाने लगा दिया जाता था। हालात मगर अब बदल चुके हैं। जो लोग अतीक के डर से खामोश रहते थे, योगी सरकार ने उनमें आत्मबल जगा दिया। डॉन का डर लोगों को अच्छा लग रहा है। नहीं, वो सहानुभूति बटोर रहा है। सहानुभूति इसलिए बटोर रहा है क्योंकि मिट्टी में सरकार ने मिलाई जरूर है, लेकिन ये मिट्टी में मिलना नहीं हुआ। मिट्टी में मिलना मतलब होता है कि जिस तरह से मेरे आदमी की हत्या कराई है, इस तरह की इनको भी इनकाउंटर हो, इनको भी फांसी की सजा दिलाई जाए। जो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है, इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही हेर रही है उससे तो संतुष्टि है, लेकिन जो मेरे बेटों को तीन तीन को मार के गए हत्या करके दरवाजे पे, वो तो सब भाग निकले हैं। उसको किस तरह से शासन ढूंढवा रही है और किस तरह से ये पुलिस कर्मी ढूंढ रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो जब तक इनको ढूंढ करके इनको न मौत के घाट उतारे, तब तक क्या पूर्ति हुई है? कोई पूर्ति नहीं। अतीक की जिंदगी का शायद सबसे बुरा वक्त। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक एंड फैमिली पूरी तरह से पुलिस के रडार पर हैं। अतीक, अशरफ, उसके दो बेटे अली और उमर पहले से जेल में हैं, तो वहीं घर के दूसरे लोग और शूटर्स फरारी काट रहे हैं। असद अतीक का बेटा है, इनाम 5 लाख रुपए। शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी, 50,000 का इनाम। साबिर, अतीक का शूटर, 5 लाख का इनाम। गुड्डू मुस्लिम, अतीक का बमबाज, 5 लाख रुपए का इनाम। गुलाम मोहम्मद और अरमान, ये दोनों अतीक के शूटर जो कि 5-5 लाख रुपए के इनामी हैं। अतीक को प्रयागराज लाने के पीछे यूपी पुलिस का मकसद उसे जुडिशियल कस्टडी में लेकर इन फरार लोगों के बारे में पूछताछ करना है। अतीक एक बार फिर प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच चुका है और अब उमेश पाल हत्याकांड में कोर्ट में अशरफ के साथ उसकी पेशी होगी। अतीक का बेटा असद सीसीटीवी में उमेश पाल को शूट करते हुए कैद हो चुका है, लेकिन अतीक उमेश पाल कांड में खुद को निर्दोष बता रहा है। अतीक ने कहा कि उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। अतीक अहमद अब योगी सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसके परिवार को परेशान ना किया जाए, घर की औरतों को परेशान ना किया जाए। सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को, बच्चों को उत्पीड़न न करें। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास्त दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। अतीक उस परिवार को बख्शने की गुहार लगा रहा है जिसका हर सदस्य अतीक के गुनाहों का बराबर का साझेदार है। ये वही अतीक जिसने बंदूक के दम पर न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीन, न जाने कितने परिवारों के चिराग बुझा दिए, और अब उसे अपना परिवार याद आ रहा है। माफिया चिल्ला रहा है और अतीक का ये दर्द कई जगह महसूस किया जा रहा है। देखिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए हर अपराधी के ऊपर,
कानून से अलग हटके कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अदालतों को बाईपास करके सजाएं देने का काम जो सरकार कर रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, यकीनी तौर पर विरोधियों के खिलाफ ही बुलडोजर क्यों चल रहा है? माफिया तो बहुत है यहाँ पर, वो भी तो काम कर रहे हैं। और कोई माफिया अगर बीजेपी की वाशिंग मशीन में आ जाता है तो धुल के साफ निकल जाता है, फिर तो वो बड़ा पाक साफ हो जाता है, उनको भी देखें। कुछ लोग अतीक पर एक्शन को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस माफिया के सताए गए ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, जो अब तक डर से खामोश थे, लेकिन योगी राज जैसे उनके लिए वरदान बनकर आया। अतीक की दलील ये कि वो 6 साल से जेल में बंद था, लेकिन पीड़ित बताते हैं कि अतीक की बीवी शाइस्ता अतीक की कुर्सी पर बैठकर रंगदारी का कारोबार बखूबी चलाती थी। इस तरह पीड़ित कहने लगता है कि जो भी उससे जोड़ता है, पहले तो सोचता है कि भाई से जोड़ के बड़ा मजा आएगा, अब कोई काम नहीं रोक सकता, रे काम करेंगे, लेकिन वो भाई इस तरह उसके घुस जाते हैं अतीक अहमद कि वो उसकी रातों की नींद चली जाती, फिर मजबूरी में कहीं ना कहीं उसको FIR करनी पड़ जाती या तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता। मतलब मालिक बन के सफर शुरू होता है कारोबार का, लेकिन फिर अतीक अहमद मालिक हो जाते हैं, आप हो जाते हैं नौकर उसके यहाँ। बस एकदम आपने सही बात कही है, पहले तो मालिक बन के काम किया जाता है, फिर वो उसमें एंट्री मारता है कि 50 चाहिए, और जिसको यहाँ काम करना रहता है, हम लोगों ने तो आवाज उठाते, बहुत सारे लोग जो आवाज नहीं उठाते हैं उनके साथ लिप्त हैं और काम भी कर रहे हैं, मजा भी लेते हैं। कुछ लोग हैं उनके नाम पे कमाते भी हैं, कुछ लोग हैं जो उनसे पीड़ित भी हैं लेकिन अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अतीक का ये काला साम्राज्य योगी राज में ध्वस्त किया जा रहा है। बुधवार को माफिया अतीक के खिलाफ ईडी का एक्शन हुआ। अतीक अहमद के उन करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा गया जो अतीक की काली कमाई के रखवाले थे। यूपी में करीब 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई। छापेमारी में 75 लाख रुपए कैश मिला, जबकि 200 बैंक खातों के दस्तावेज मिले। अतीक के जिन करीबियों पर छापे मारे गए उनमें अतीक का वकील, अतीक का चार्टर्ड अकाउंटेंट और 2 बिल्डर्स शामिल हैं, जिनमें 50 फर्जी कंपनियों के दस्तावेज मिले। इतना ही नहीं, इन कंपनियों से 50 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन और जबरन वसूली के सबूत मिले हैं। अतीक अहमद से जुड़े लोगों के खिलाफ आज प्रयागराज में आधा दर्जन जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। चर्चा है कि ईडी और आईटी की जॉइंट रेड है। देखिए, ये खान सौलत हनीफ जिनको सजा हुई थी उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद के साथ ही, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था, खान सौलत हनीफ के खिलाफ ये रेड चल रही है। ये उनका घर है, पीतम नगर इलाका है। इसके अलावा जो अतीक अहमद के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सीताराम, उनके घर पर भी ये रेड चल रही है। साफ है योगी का चाबुक चारों ओर चल रहा है। योगी ने साफ कर दिया कि सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि जो भी माफिया के पैसे पर ऐश करेगा उसका हिसाब होगा, वो चाहे अतीक का परिवार हो, अतीक के गुर्गे हो या उसके काले धन को सफेद करने वाले सफेद पोश। बहरहाल कल का डॉन आज घुटनों पर है। योगी की पुलिस ने अतीक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की स्पेशल तैयारी की। सवालों की लिस्ट तैयार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब अतीक का सच से सामना होगा, अब मिलेगा उसके सताए हुए लोगों को इंसाफ। प्रयागराज से मनीष यादव और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और बड़ी खबर, प्रयागराज की नैनी जेल से बरताते चले। पेशी से पहले अतीक का बीपी बढ़ा है। दरअसल 2 डॉक्टर्स ने अतीक का चेकअप किया है। अतीक अहमद को बीपी की दवाइयां भी फिलहाल दी गई हैं। बैरक में अतीक को जिस बैरक में रखा गया उस बैरक में बताया जा रहा है कि अतीक सिर्फ 2 घंटे ही सोया है। लगातार 24 घंटे का सफर करने के बाद में प्रयागराज जब अतीक पहुंचा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल है, उसकी तबीयत खराब है, उसकी हालत बिगड़ चुकी है। अतीक अहमद को आज जब कोर्ट में पेश किया जाना है, इस बीच बताया जा रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मिश्रा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ है मेडिकल रिपोर्ट में, क्या जानकारी है, तबीयत ठीक नहीं है? देखिए, अतीक लगातार इस तरह की बहानेबाजी करता रहा है। वो जब साबरमती जेल में था तब भी उसने कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, उसे कोर्ट उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जोड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब मेडिकल उसकी चेकअप हुआ था तब वो बिल्कुल फिट पाया गया, और इसीलिए मेडिकल टीम ने कहा था कि वो इतने 1300 किलोमीटर के सफर के लिए बिल्कुल फिट है। उसके बाद ही उसको लाया गया था। आज भी कल भी जब वो देर शाम पहुंचा तो चूंकि पूरे दिन का सफर था, थकान थी उसके उसके चेहरे पर दिखाई भी दे रही थी, तो उसके बाद कल रात थोड़ा बीपी उसका बढ़ा हुआ था, उसके बाद उसको मेडिकल चेकअप कराया गया।
है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो फिट है और इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जो बड़ी खबर है, जो अपडेट है, वो यही है कि ठीक जो तय टाइम है 10:30 बजे उसको कोर्ट के लिए यहाँ से निकाला जाएगा। 11 बजे सुनवाई होनी है कोर्ट के अंदर, इस लिहाजा 10:30 बजे नैनी जेल से उसको निकाल कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो जो जेल के जेलर हैं उनका साफ कहना है कि बिल्कुल जो मेडिकल उसकी हुई है अब वो बिल्कुल फिट है, सुबह बिल्कुल ठीक है, रात को जरूर थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी लेकिन अब वो बिल्कुल फिट है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आज अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों को 10:30 बजे ठीक इसी नैनी जेल से बाहर निकाला जाएगा, उनको सीजीएम कोर्ट के सामने ले जाकर पेश किया जाएगा ताकि उनके जो उमेश पाल हत्याकांड है उसमें उनको रिमांड पर लिया जा सके। दरअसल आज जब वो कोर्ट में पेश होंगे उसके बाद ही औपचारिक रूप से ऑफिशियली जो है वो उमेश पाल हत्याकांड के जो है वो आरोपी होंगे, क्योंकि बी वारंट पे पुलिस ने निकलाई है जिसे प्रोडक्शन वारंट भी कहते हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही आज जब कोर्ट में उनकी पेशी होगी तब पुलिस तो पुलिस यहां पर रिमांड जरूर मांगेगी। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनोद, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। तो इस बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए लेकिन रुपये छोटे से ब्रेक।